हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिकल एनालिसिस देखने जा रहे हैं नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम का। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने ऑर्डर ऑफ ग्रोथ रेट की बात की थी, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ की बात की थी कि फंक्शंस किस टाइप्स के होते हैं, उसको ग्रोथ रेट क्यों कहते हैं, उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कहते हैं, टाइम एफिशिएंसी भी कहते हैं, कि जो हमारे ये जो होते हैं फंक्शंस होते हैं ये लॉग में हैं, पॉलिनोमियल हैं, तो इसको हम लोग ग्रोथ रेट कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस वगैरह लॉग को, या हम लोग इनको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कहते हैं और टाइम एफिशिएंसी भी कहते हैं। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ की बात की थी, बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा। बिग ओ सबसे बेस्ट, जो वर्स्ट केस होता है वो बिग ओ होता है, फिर बिग ओमेगा होता है जो कि हमारा सबसे बेस्ट केस होता है, और सबसे एवरेज केस दोनों के बीच में जो बिग थीटा होता है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो लाजमी देखें, शुरू की वीडियो ही इसको आपको समझने में आसानी करेगी, वरना आपके समझ नहीं आएगा ठीक से। पहली दो वीडियो देखें। तो हम टाइम एफिशिएंसी ऑफ नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे ग्रोथ रेट निकालना। इस वीडियो की पहला पार्ट, सेकंड पार्ट भी जल्द आएगा। पहले पार्ट में अगर टाइम एफिशिएंसी यानी ग्रोथ रेट हम लोग नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम का निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने इनपुट साइज चेक करना है, एल्गोरिथम में इनपुट साइज क्या है, आइडेंटिफाई द एल्गोरिथम बेसिक ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन क्या है, चेक द वेदर द नंबर ऑफ टाइम बेसिक ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग ऑन इट्स इनपुट साइज। तो हमने फिर बाद में वर्ड्स एवरेज और बेस्ट केस देखना है, लेकिन इस वीडियो में नहीं देखेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेट अप द समीशन फॉर सी एंड रिफ्लेक्टिंग द नंबर ऑफ टाइम्स द एल्गोरिथम बेसिक ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटेड। सो हमें एक समीशन, सेट अप द समीशन बनानी है सी एंड रिफ्लेक्टिंग द नंबर ऑफ टाइम्स और एल्गोरिथम बेसिक ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड। तो बेसिक ऑपरेशन की यहाँ पे थोड़ी हम लोग बात करेंगे। बेसिकली बेसिक ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक लूप है, आई इज इक्वल टू ज़ीरो टू एन, एक और नेस्टेड लूप है ये, और जे इज इक्वल टू ज़ीरो टू एन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा हो रहा है सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और एक और नेस्टेड लूप है उसके अंदर मेरा जो कि है के इज इक्वल टू ज़ीरो टू एन। तो बेसिकली ये देखें इस एल्गोरिथम में हो क्या रहा है, एक और मैं यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन डालूंगा सम का ए प्लस बी। तो इसमें बताएं सबसे इनर मोस्ट लूप कौन सा है, सबसे जो अंदर वाला लूप है वो हमारा ये है। तो ये इनर मोस्ट लूप है। जब हमारा इनर मोस्ट लूप की हम लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो इनर मोस्ट लूप में जो अर्थमेटिक या कंपैरिजन हो रहा हो उसको हम लोग बेसिक ऑपरेशन कहते हैं, इसको हम लोग बेसिक ऑपरेशन वन कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और हो रहा हो जो मल्टीप्लाई का हो रहा हो, मल्टीप्लाई का हो रहा हो ए मल्टीप्लाई बाय बी, इसको मैं कहूँगा बेसिक ऑपरेशन टू। तो इनर मोस्ट लूप में जो हमारा कंपेरिजन या हमारा अर्थमेटिक काम हो रहा होता है उसको हम लोग बेसिक ऑपरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जाए कि मल्टीप्लिकेशन की आप बेसिक ऑपरेशन फाइंड करें, मल्टीप्लिकेशन कितने हैं, तो ये एक है, एडिशन कितने हैं, एडिशन भी एक है। जो जब आपसे इस तरह पूछा जाए तो आप में टोटल जो बेसिक ऑपरेशन में है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा होता सी से, तो यहाँ पे अब कितने हो जाते, एक ये है, दो दो हमारे ऑपरेशन हो गए मल्टीप्लिकेशन के। तो इस तरह भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो इसको हम लोग जैसे जैसे सॉल्व करेंगे हमारे समझ आता रहेगा। तो हेयर इज सम रूल्स। रूल्स में ये है कि अगर कांस्टेंट नंबर है और वेरिएबल है या नंबर है कोई, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टू आई है, टू और आई, तो टू बाहर आ जाएगा और आई वहीं रहेगा, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है वन के अलावा। वन तो कांस्टेंट हमेशा रहता ही है हर नंबर के साथ। फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस हो रहा हो, तो प्लस माइनस जब हो रहा हो दो नंबर और उसका वेरिएबल मैच कर रहे हो उससे लोअर बाउंड वाले, तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जे होता तो ये वाली चीज हमारी बाहर आ जाती और सिर्फ वन बचता है यहाँ, लेकिन ये आई है दोनों, तो
तो क्या होगा, ये इससे भी होगा मल्टीप्लाई और ये इससे भी होगा मल्टीप्लाई, दोनों से होगा। तो इसकी कुछ इस तरह, ये बेसिक हमारा मैथमेटिक्स है, इसको इतना मैं डिस्कवर नहीं कहूँगा। फॉर एग्जांपल हमारा जब समीशन बनाए उसमें एक बेसिक ऑपरेशन हुआ तो हमें अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन का फॉर्मूला लगाना है। अपर बाउंड हमारा जो होता है, मैं इसको रेड कर लेता हूँ, अपर बाउंड हमारा हमेशा ये होता है ऊपर वाली साइड में समीशन के जो होता है, लोअर बाउंड होता है हमारे नीचे वाला। इसको हम लोग देखेंगे, इतनी फिक्र ना करें आप लोग, इसको हम लोग वन बाय वन स्टेप में सॉल्व भी करेंगे आज बहुत सारे क्वेश्चन। सेकेंडली वी वैन वी हैव द वेरिएबल लाइक आई जे के, देन वी हैव दिस फॉर्मूला, वन ना हो और आई जे के कुछ भी हो और इससे मैच करता हो नीचे वाले से आई, अगर जे होगा तो वो कॉन्स्टेंट होगा बाहर जाएगा, यहाँ पर सिर्फ वन बचेगा। लेकिन यहाँ पे आई है तो फिर ये वाला फार्मूला लगेगा। स्पेशल केस में ये है कि हमारा स्क्वायर लगा हुआ हो तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं सेकंड में, अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज की मतलब ये है कि हमारी एक सीरीज है जो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 की बना रही है। तो ये क्या हो गया, हमारे इवन नंबर का अर्थमेटिक सीरीज है। उसको निकालने का फार्मूला कुछ इस तरह है, क्योंकि हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपके यहाँ पे बहुत काम आनी है। सेकेंडली व्हेन वी हैव द ज्योमेट्रिक सीरीज, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरह का समीशन बना है 2 या आई हो, मैं इसको आई कर देता हूँ, आई हो और आई स्क्वायर हो, सॉरी स्क्वायर नहीं, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज की बात हो रही है, यहाँ पे 2 और उसके ऊपर आई हो, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। कभी भी कोई नंबर के ऊपर वेरिएबल होता है उसको हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। उसका निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे है, व्हेन आर इज नॉट इक्वल टू 1, ये भी कंडीशन देखिएगा, जब आर जो हो हमारा वो 1 ना हो, 1 के अलावा कुछ भी होगा तो हमने निकालना है। वेल 1 जब होता है तो 1 को किसी से भी नंबर से हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं या क्यूब ले सकते हैं, ले लेते हैं तो 1 ही बचता है। वेल यहाँ तक हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम लोग मैथमेटिकल रिव्यू में। हमारे पास जब ज्योमेट्रिक सीरीज हो और उसमें कोई कांस्टेंट वेरिएबल ना हो, ए हो यानी आर ना हो हमारे पास, तो हमें ये वाला फार्मूला लगाना है। ये सिचुएशन आएगी, आप देखते ही समझ जाए करेंगे कि फार्मूला कब लगना है। तो देखें आप, हमारी आगाज़ हो जाता है लेक्चर की मेनली। ये पहला एल्गोरिथम है हमारा, जिसका हमने आइडेंटिफाई सबसे पहले क्या करना है, इनपुट साइज। इनपुट साइज क्या है कि आई इज इक्वल टू 1 है और आई इज इक्वल टू 1 है और हमारा जो इनपुट साइज कहाँ तक जा रहा है, एन माइनस 1 हमारा इनपुट साइज है। तो इस एल्गोरिथम को भी थोड़ा समझ लेते हैं। एल्गोरिथम है जो फाइंड करता है लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ एरे। तो कैसे मालूम करता है, फॉर लूप चलता है एन माइनस 1 यानी एरे तक चलता है, क्योंकि एरे 0 से यूज़ होता है। मैक्स वेरिएबल में हमने एरे का पहले इंडेक्स को सेव कर देते हैं। अब फॉर लूप चलता है इफ़ ए आई इज ग्रेटर देन मैक्स वेल, अगर ए कोई भी हमारा फॉर एग्जांपल एरे के दूसरे इंडेक्स में बड़ा एलिमेंट मिल गया हमारे 0 वाले इंडेक्स से, तो क्या करेगा, मैक्स वेल में हमें ओवर राइट करके दे देगा। जब हमारा पूरा ये लूप चल जाएगा तो रिटर्न मैक्स वैल कर देगा, मैक्स वेरिएबल यानी। तो पहला एल्गोरिथम हम देख लेते हैं, देख लिया हमने, तो इसका एनालिसिस करना सीखते हैं हम लोग। तो इसका एनालिसिस करने के लिए मैं इसको यहाँ से लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, स्नैपिंग टूल ले लेता हूँ मैं। देखिए हमारे यहाँ पे एल्गोरिथम आ गया है, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप में, इसमें हमें सबसे पहले इनपुट साइज निकालना है। इनपुट साइज हमारा क्या है, एन माइनस 1, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई इज इक्वल टू 1 से। और बेसिक ऑपरेशन क्या है, एक ही यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन है जो जो कि वेरिएबल को कंपेयर करके वो कर रहा है,
यानी देखें कि इसमें बेसिक ऑपरेशन बेसिकली जो हुआ ना वो कंपेरिजन आएगी या अर्थमेटिक, और इसमें कंपेरिजन ए की हो रहा है इफ कंडीशन इज ग्रेटर देन मैक्स वैल्यू, तो ए की हो रही है तो इसको हम लोग ए की मानेंगे, सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब समीशन हम लोग यहाँ पे सेट अप करेंगे समीशन को, जो कि हमारा होगा यहाँ पे सी इज इक्वल टू एन। समीशन को यहाँ पे सेटअप करते हैं, क्या था हमारा इनपुट साइज एन माइनस वन जो कि ऊपर लिख देंगे, और आई क्या था हमारा ज़ीरो, बेसिक ऑपरेशन कितने थे एक थे। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने जाते हैं, और हमने स्लाइड्स में देखा था फॉर्मूला एक यहाँ पे, कि व्हेन वी हैव द वन देन वी हैव द फॉर्मूला अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन। तो हम लोग अपर बाउंड हमारे इसमें क्या है जी, अपर बाउंड हमारा एन माइनस वन है, माइनस लोअर बाउंड देख लेते हैं, लोअर बाउंड हमारा सॉरी यहाँ पे मैंने ज़ीरो लिख दिया, ये वन है, आई वन तक वन से शुरू हो रहा है तो आई हमारा वन है, अपर बाउंड माइनस वन सॉरी प्लस वन है, फॉर्मूले के मुताबिक प्लस से माइनस वन कट गया, और हमारे पास यहाँ पे क्या बचा एन माइनस वन, एन माइनस वन बच गया, तो इसका मतलब है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमारी एन माइनस वन, जब एन माइनस वन है तो इसका मतलब है ये इसका फंक्शन भी है, तो हम लोग फंक्शन को एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग सी सी से भी कर सकते हैं, तो मैं इसको सी से ही करूँगा क्योंकि हमें बताया गया, अब ये हो गया इसका फंक्शन, यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया। अभी वेदर इट इज़ द देखिए ये हम लोग एल्गोरिथम को देख के भी समझ सकते हैं कि इसमें एक ही लूप है तो ये इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो एन होगी, और एक दफ़ा कम चल रहा है तो माइनस वन होगी, तो हमें वैसे ही इसका अंदाज़ा है, तो हम लोग देख के भी अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन इसकी जो प्रूफ करना होता है हमें मैथमेटिकल इस तरह प्रूफ करना होता है। तो पहला एल्गोरिथम हो गया हमारा, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग दूसरे एल्गोरिथम की जानिब जिसमें दो लूप हैं, एक है आई जो कि एलिमेंट यूनिकनेस प्रॉब्लम, चेक वेदर ऑल द एलिमेंट इज गिवन एरे आर डिस्टिंक्ट, डिस्टेंट यानी अलग होने चाहिए एरे में सारे, तो क्या करेगा एक फॉर लूप चलाएगा जो n माइनस टू और एक अंदर फॉर लूप चलाएगा जो n माइनस वन तक चलेगा, इफ़ a और i इज इक्वल टू a और j रिटर्न फॉल्स अदरवाइज रिटर्न ट्रू। अगर कोई एलिमेंट एक दूसरे के बराबर आ गया तो फॉल्स कर दो वरना ट्रू कर दो, तो एक लूप चलेगा। फॉर एग्जाम्पल पहला एलिमेंट अगर हम लोग लेंगे एरे का, पहला एलिमेंट हर एलिमेंट से कंपेयर होगा, अगर उसमें नहीं फॉल्स आ जाएगा तो वहाँ से हमारा लूप कट के और बताएगा कोई भी यूनिक एलिमेंट नहीं है, मतलब इसमें सारे यूनिक नहीं है, तो सिंपल सा एल्गोरिथम है हमारा यूनिक एलिमेंट निकालने का। तो इसका हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग इसको यहाँ से क्या करेंगे, स्निपिंग टूल के मदद से इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आ गया हमारा एल्गोरिथम। इसमें देखें दो समीशन बन रही है और इनर मोस्ट लूप ए की कंपैरिजन हो रही है, तो एक हमारा बेसिक ऑपरेशन है इसमें। तो पहला समीशन बना लेता हूँ जो कि है एन माइनस टू एन और आई इज इक्वल टू ज़ीरो, दूसरा बना लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर नेस्टेड लूप नहीं होता और एक अलग अलग लूप होते तो यहाँ पे हमें प्लस लगाना पड़ता, लेकिन ये नेस्टेड लूप है तो नेस्टेड लूप हमेशा मल्टीप्लिकेशन होती है आपस में, तो इसको मैं आपको टिप भी बताता रहूँगा साथ साथ। तो देखिए ये मैंने ले लिया, दूसरा जो चल रहा है वो एन माइनस वन तक चल रहा है और आई जो है जे जो है हमारा ये जो है हमारा आई प्लस वन हो रहा है और बेसिक ऑपरेशन वन है, तो वन है तो हमें ये सबसे पहले बाहर ले लेना है
पहले वाले समीशन को और यहाँ पे सॉल्व कर देना है पहले इस वाले को। तो इस वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे फिर बाहर वाले में आएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप होगा। तो इसमें वही अपर बाउंड लोअर बाउंड वाला लगेगा। अपर बाउंड n माइनस वन है और लोअर बाउंड क्या है, माइनस आई प्लस वन। और यहाँ पे हमारा आई प्लस वन है और हमारा एक प्लस वन भी है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में। तो देखिए सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग कुछ इस तरह, माइनस टू आई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखें कि प्लस टू हो जाएगा जब हमारा प्लस वन ये दोनों प्लस होंगे, तो प्लस टू माइनस वन, तो जो हमारा बचेगा वो एन बचेगा, माइनस आई बचेगा और प्लस हमारा वन बचेगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग इसको ज़रा आगे पीछे करके लिखेंगे, माइनस वाले को बाहर ले जाएंगे। तो सिंपल सा हमारा यहाँ पे क्या होगा, इसमें कांस्टेंट क्या है, एन है और प्लस वन है, तो एन प्लस वन सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि एन माइनस आई प्लस वन है, तो ये जो होगा हमारा समीशन ये सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो ये सबसे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा हमारा समीशन, एन माइनस टू आई इज इक्वल टू ज़ीरो, एन माइनस समीशन एन माइनस टू आई इज इक्वल टू ज़ीरो आई प्लस एन माइनस टू आई इज इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ पे वन। तो सिंपल सा यहाँ पे देखिए हमारा समीशन, सबसे ये जो हमारा समीशन था ये इससे भी हो गया प्लस मल्टीप्लाई, ये इससे भी हो गया और ये इससे भी हो गया वन से भी। तो इस तरह हमारा सबसे होगा ये मल्टीप्लाई हमारा समीशन। तो अब देखिए सिंपल सा है कि एन जो है वो कांस्टेंट है, तो एन बाहर चला जाएगा, एन बाहर चला गया, समीशन वही रहेगा अपनी जगह, एन माइनस टू आई इज इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ पे वन बचा माइनस। अब वापस वैसे ही लिख देंगे हम लोग, आई इज इक्वल टू ज़ीरो आई प्लस एन माइनस टू आई इज इक्वल टू ज़ीरो वन। अब इसमें हमें ये अपर बाउंड लोअर बाउंड वाला फॉर्मूला लगाना है, और आई आ गया है तो आई के लिए हमारा फॉर्मूला था यहाँ पे ये वाला, एन एन प्लस वन अपॉन टू। तो इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक एक को सॉल्व करेंगे, अपर बाउंड एन माइनस टू लोअर बाउंड ज़ीरो प्लस वन माइनस, इसका फॉर्मूला क्या था, एन एन माइनस वन अपॉन टू, और इसका फॉर्मूला अपर बाउंड लोअर बाउंड था। तो अपर बाउंड क्या है हमारे पास, एन माइनस टू माइनस ज़ीरो प्लस वन। सो हियर वी गो, सो हियर वी गो, व्हेन वी सिंप्लीफाई इट, तो देखिए ये इससे माइनस होगा तो एन माइनस वन बचेगा, फिर माइनस एन स्क्वायर होगा और माइनस एन होगा अपॉन टू प्लस, अब देखिए इससे भी एक माइनस होगा तो एन माइनस वन बचेगा। देख सकते हैं आप टू जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो इसका एलसीएम लेना होगा इस वाले से और इस वाले से।
तो ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड भी होगा, तो ये क्या होगा, 2n-2 minus n square minus n plus 2n minus 2 upon 2। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है ये बनना शुरू हो गई है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट थे तो ये माइनस से हुआ तो ये प्लस हो गया है। वेल यहाँ पे हमारा 5n, ये कुछ 5n बन रहा है, और माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 बन रहा है अपॉन 2। वेल माइनस माइनस इज प्लस, सॉरी साइन यहाँ पे माइनस का ही आएगा, भले प्लस हो रहा है माइनस का साइन आएगा। तो ये हमारा फंक्शन बन रहा है इस एल्गोरिथम का, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिकनेस, ये 5n-n² - 2। तो इसमें से जो हम लोग मालूम करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे हाईएस्ट टर्म, सबसे हाईएस्ट टर्म क्या है इसमें, एन स्क्वायर के बराबर है ये पूरा फंक्शन। तो इसमें से आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एन स्क्वायर करने की ज़रूरत है। वेल यहाँ पे हमारे एल्गोरिथम, दो एल्गोरिथम हो गए हैं, एक हो गया मैक्स एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस को भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें नेस्टेड लूप हैं जो कि 3 हैं, ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद करिएगा सॉल्व। देखिए इसमें एक लूप है, दो लूप है, फिर तीसरा लूप है, और बेसिक ऑपरेशन कितने इसमें, एक ऑपरेशन है बेसिक ऑपरेशन, और इसका यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दिए कि एन क्यूब आएगा। पहले आपने एक समीशन बनाना होगा जो एन माइनस वन और आई इज इक्वल टू ज़ीरो, फिर दूसरा समीशन तीसरे में क्या है, वन आएगा, फिर इसी तरह आप सॉल्व करेंगे जिस तरह मैंने सॉल्व। देखें हमारा व्हाइल लूप जो है वो बाइनरी में यूज़ हो सकता है एन अपॉन टू, या तो वो एक हमारा प्रोबेबिलिटी में यूज़ होता है। व्हाइल लूप सिर्फ दो ही कंडीशंस में यूज़ होता है, या तो एन जो हो अपनी पावर किसी कंडीशन में सबट्रैक्ट कर रहा हो या अपनी कम कर रहा हो यानी आधी कर रहा हो वैल्यू, या तो हमारा यूज़ हो सकता है कि कहीं भी सेंटर में हमें अपना एलिमेंट ढूंढना है एरे में, कहीं भी सिक्वेंशियल सर्च में। तो इसका एनालिसिस देखते हैं हम लोग सिक्वेंशियल सर्च का। तो सिक्वेंशियल सर्च के एनालिसिस करने से पहले हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देखें इसमें क्या करके आ रहा है, एल्गोरिथम को हमें समझने की बहुत ज़रूरत होती है कि ए जो है वो एन है, और एन जो होगी हमारी जो भी पावर होगी इक्वल टू के बराबर होगी, आई इज इक्वल टू के ज़ीरो, के यानी कि पहले एलिमेंट में के इज इक्वल जो हमारा जो के जो होगा वो की होगा, हमें कोई भी एलिमेंट ढूंढना है वो मालूम करना है हमें एरे के अंदर। वाइल ए आई इज नॉट इक्वल टू के डू आई आई प्लस वन, इफ आई इज लेस देन एन रिटर्न आई एल्स रिटर्न माइनस वन। इसका मतलब यह है कि जब तक एलिमेंट नहीं इक्वल टू की नहीं होता तो आई प्लस वन करो, और इफ द एन जो हो हमारी आई से छोटा हो जाए, आई छोटा हो जाए एन से, तो रिटर्न आई कर दो वरना रिटर्न माइनस वन कर दो। यानी जब एलिमेंट मिल जाए, एलिमेंट हमें कहीं भी मिल सकता है, पहले इंडेक्स में, दूसरे तीसरे इंडेक्स में, तो ये हमें कुछ पता नहीं होता। तो इसकी हम लोग कुछ इस तरह लिखते हैं, C इज इक्वल टू एन वन डॉट पी अपॉन एन प्लस टू डॉट पी अपॉन एन प्लस थ्री डॉट पी अपॉन एन डॉट 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 प्लस एन वन माइनस पी।
तो 1 माइनस p है यहाँ पे, तो देख सकते हैं मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ और इस साइड चला जाता हूँ और सही तरह लिख लेता हूँ इसको। देखिए लेक्चर लंबा हो रहा है ज़रूर, लेकिन इससे सीख इतनी कोई डिटेल में आपको सिखाएगा नहीं जितनी डिटेल में मैं सिखा रहा हूँ। तो p अपॉन n हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 बचेगा यहाँ पे, प्लस n 1 माइनस 1। सो हेयर वी नो दैट द 1 प्लस 2 प्लस 3 का हमें फॉर्मूला हमने स्लाइड में देखा था पहले, सॉरी हेयर वी सी द 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन इज इक्वल टू एन एन प्लस 1 अपॉन 2। ये अर्थमेटिक सीरीज का फॉर्मूला है, तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे कि पी अपॉन एन वही रहने देंगे, अर्थमेटिक सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे, एन प्लस 1 अपॉन 2 प्लस एन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, एन से एन कट गया। तो देखिए मैं ये भी बता दूं आपको कि p अपॉन n जो होता है इसका मतलब ये है कि n फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 है और प्रोबेबिलिटी है हर नंबर में उसको फाइंड करने की, तो 1 अपॉन 10 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी विच इज़ इक्वल टू 10%। 10 एलिमेंट में 10% चांस है कि वो की एलिमेंट हो इन अ सिक्वेंशियल सर्च। तो 1 अपॉन p अपॉन n इसलिए कर रहे हैं कि हर आइट्रेशन में p अपॉन n प्रोबेबिलिटी है फाइंड होने की नंबर। जब ये हम लोग कर लेंगे पी एन प्लस 1 अपॉन 2 प्लस एन 1 माइनस p, दिस इज़ आवर आंसर। लेकिन यहाँ पे आंसर हमारा रुकता नहीं है, हम लोग चेक करते हैं कि जब हमारी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, 1 का मतलब है कि एलिमेंट होगा, 0 का मतलब होगा एलिमेंट ना हो, तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो हम लोग सबसे पहले प्रोबेबिलिटी 1 लेते हैं विच इज़ ऑल्सो द एवरेज केस, तो 1 लेंगे तो n प्लस 1 अपॉन 2 और n 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, तो n मल्टीप्लाई 0 से होगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, n प्लस 1 अपॉन 2 प्रोबेबिलिटी बचेगी। या तो हमारी प्रोबेबिलिटी यानी जब 0 होगी इज इक्वल टू 0, तो जब हम लोग 0 ले लेंगे तो 0 जब मल्टीप्लाई एन प्लस 1 अपॉन 2 से होगा तो 0 ही प्रोवाइड कर देगा, प्लस एन 1 माइनस 0, तो यहाँ पे तो ये 0 हो गया, प्लस यहाँ पे एन 1 बचा, तो विच इज़ इक्वल टू एन। तो एन टाइम्स चलेगा जब हमें प्रोबेबिलिटी यानी कि पूरा लूप चलेगा, और एन प्लस 1 अपॉन 2 चलेगा जब एलिमेंट कहीं बीच में या कहीं भी इसको मिल जाता है, ना मिलने में तो वो 0 ही चलेगा, यानी हर हर एलिमेंट को चेक करेगा, मिलने में वो हर एलिमेंट को एन प्लस 1 अपॉन 2 एलिमेंट चेक करेगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि प्रोबेबिलिटी 0 हो तो आपने इस तरह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी एवरेज हो तो आपने इस तरह निकालनी है, और इसको सॉल्व अगर करने का सिर्फ कहा हो तो आपने बस ये फॉर्मूला निकाल देना है इसका। वेल यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग आ गए, देखिए यहाँ पे ये सॉल्व हुआ भाई, ये मैं सारी स्लाइड डालूंगा गूगल ड्राइव में जो आपको प्रोवाइड करूँगा मैं सब कुछ। प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गए, प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन है जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक एक करके, कोई सा भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो सिंपल सा है बात कि हम लोग इसमें सबसे पहले ए वाले पार्ट को देख लेते हैं, फिर बी सी डी ई एफ सारे को देखेंगे इंशाल्लाह। देखिए ए पार्ट आ गया हमारा, तो देख सकते हैं कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 विच इज़ वी कैन सी दैट इट इज़ द हमारा जो ये है नंबर, ये है ऑड नंबर का सीक्वेंस, ऑड नंबर का सीक्वेंस है, तो इसका समीशन बनाएंगे,
जो कि 500 टाइम्स चलेगा, यानी कि 99 टाइम्स चल रहा है तो उसका आधा 500 टाइम्स चलेगा। तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा यहाँ पे, 500 टू से टू कट गया यहाँ पे, तो 500 है तो 500 को वैसे ही लिख दूंगा मैं, और ये 500 वन हो जाएगा, माइनस 500, 500 को 500 वन से मल्टीप्लाई करवा दें तो 2525 आएगा सिंपल सा, और 0250 0500 when we multiply 500 by 501 minus 500, इसका आंसर क्या आ गया हमारा फाइनली, दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। ये सारा आपको प्रोवाइड करूंगा मैं आंसर, देखिए इस सीरीज़ को हम लोग देखें तो हम देख ही समझ पा रहे हैं कि ये सीरीज़ जो है वो टू की पावर आई के बराबर है, 2 2 4 8 16 32 64 1 2 0 1 0 2 4। तो इसका सबमिशन अगर मैं यहाँ पे बना लूँ सिंपल सा, सबमिशन बनाने बहुत आसान होगा कि ये 10 टाइम्स चल रहा है और आई इज इक्वल टू 1 है। मैंने 10 टाइम्स इसको कैसे कंसीडर किया है कि 2 की पावर 10 लें तो 1 0 2 8 2 4 तक जा रहा है, इसलिए मैंने इसको 10 लिया, अपर बाउंड और लोअर बाउंड आई से स्टार्ट, आई इज इक्वल टू 1 से लिया है, और इसका फॉर्मूला 2 की पावर आई है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला एक देखा था ऊपर, ये वाला, जब हमारा जो वेरिएबल जो नंबर होता है कोई भी उसकी पावर आई हो और उसके साथ कोई आर नंबर ना हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है आई वन माइनस ए एन प्लस वन वन माइनस ए, बट वी नीड टू आई इज इक्वल टू ज़ीरो नॉट वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आई हमारा
क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा, हमने ए बी सी मैंने कहा था आप लोग खुद करिएगा, डी कर लिया, अब ई की जानिब चलते हैं। तो मैं ई कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर में। ई वाला बहुत आसान है, इसमें आई की पावर 2 जब होगी वो वाला फॉर्मूला लगना है, सिंपल सा। तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन करना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि आई जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, आई इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी कुछ इस तरह हम लोग लिख सकते हैं इसको, आई एन माइनस वन आई इज इक्वल टू 0 आई स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0 एन माइनस वन इक्वल टू 1, यहाँ तक लिख सकते हैं। तो सॉरी, ये आई होगा, 1 नहीं होगा, आई होगा, आई दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये आई स्क्वायर होगा, आई 1 होगा। जब यहाँ तक हम लोग अपनी इक्वेशन लिख लेंगे, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो ऊपर हमने सारे रूल्स रखे थे, ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला हमें फॉर्मूला लगाना है। जब हमारा आई स्क्वायर होगा तो एन एन प्लस वन 2n+1 अपॉन 6 वाला फॉर्मूला, तो ऊपर एन माइनस वन है तो उसके अकॉर्डिंगली लगाएंगे, एन माइनस वन एन। अब देखें यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर प्लस वन है, प्लस माइनस दोनों कट हो जाएंगे तो सिर्फ एन बचेगा, और तीसरे वाले में आप देख सकते हैं कि 2n+1 है तो 2 यहीं रहेगा, एन माइनस वन और प्लस वन अपॉन 6, और इसमें तो सिंपल सा वही फॉर्मूला लगेगा, एन एन माइनस वन बचेगा क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा तो सिर्फ एन बचेगा, और माइनस एन की जगह एन माइनस वन आ जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा। देखिए सिंपल सा हमारे यहाँ तक इक्वेशन हो गई। अब हमने क्या करना है जी, हमने ये करना है कि इसको सिंपलीफाई करना है, जितना हम लोग सिंपलीफाई कर सकते हैं उतना हमें फिर सिंपलीफाई करना होता है। तो हम लोग इसको और सिंपलीफाई करेंगे, तो वी विल डू जस्ट, देखिए मैं इसको अपने दिमाग में सिंपलीफाई कर रहा हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई, जब एन होगा यहाँ पे 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे, तो -2+1 यानी -1 2n-1 बचेगा, तो यहाँ पे एन एन माइनस वन टू एन माइनस वन अपॉन, अब मैं ये देखें मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो मुझे नीचे वाले को 6 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 3। जब ये मैं करूँगा तो मेरी इक्वेशन कुछ 3n एन माइनस वन बन जाएगी, और ये पूरी इक्वेशन अपॉन 6 बन जाएगी, अपॉन 6 बन जाएगी। तो अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहूँगा कि n से, देखें n इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, n स्क्वायर माइनस n और 2n-1 प्लस 3n, इससे भी होगा इससे भी होगा, तो क्या हो जाएगा, 3n² - 3, यही इक्वेशन बनेगी, 3n/6। फदर ये सब फदर भी और भी हो सकता है, जैसे कि मुझे नज़र आ रहा है इससे ये इससे फिर ये इससे फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, तो मैं डायरेक्टली डायरेक्टली करूँगा, 2n³ - n²
माइनस टू टू एन क्यूब माइनस एन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एन प्लस 3n² माइनस 3n अपॉन 6। देखें यहाँ तक हमारी इक्वेशन हो जाएगी। फिर हमने देखें इसमें सारे जो स्क्वायर वाले उनको प्लस माइनस करना है। देखें जैसे ये इससे कट जाता है और ये जो है माइनस, तो 2n बचेगा। तो इसकी कुछ इक्वेशन देखें इस तरह बन रही है, मैंने गलत कर दिया है, एन क्यूब है माइनस 2n² प्लस 3n², तो 1n² बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्लस एन भी है माइनस 3n भी है। तो अगर इसको सिंपलीफाई हम लोग करना चाहें तो 2n³ अपनी जगह ही रहेगा, माइनस ये बन जाएगा हमारा माइनस 2n। जब इसको हम लोग सिंपलीफाई करेंगे, मैं कैलकुलेटर की मदद से कर रहा हूँ, आप भी कर लेगा, कि माइनस 2n² प्लस 3n² माइनस 3n² तो क्या होगा, ये माइनस माइनस ये वाले दोनों, मैं इसका रंग चेंज कर देता हूँ, ये दोनों जब माइनस माइनस होगा तो ये माइनस 3n² हो जाएगा, और प्लस 3n² से ये कट हो जाएगा, और एन माइनस 3n माइनस 3n प्लस एन करेंगे तो 2n बचेगा। तो इस तरह ये इक्वेशन बचेगी अपॉन 6 बचेगा, अपॉन 6 बचा। अब 2 को मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँगा, 2 को कॉमन ले लिया, एन क्यूब वहीं रहा, माइनस एन अपॉन 6, 6 से 2 कट हो गया, 6 से अपॉन 3 बचा। तो हमारे पास यहाँ पे ये देखें आंसर आ गया। आंसर क्या है हमारा, एन क्यूब माइनस एन डिवाइडेड बाय 3 इज द आंसर। देखिए सिंपल सा था ये, इतना कोई मुश्किल नहीं था, इसमें बस फॉर्मूले लगाने आने चाहिए आपको तो हो जाता है क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, जो कि हमारा था डी ई कर लिया, अब एफ की जानिब चलते हैं। देखिए एफ वाला जो है यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला लगेगा सिंपल सा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर लेता हूँ ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला स्टेब्लिश। आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला ये वाला लगना है, जो हमारी कंडीशन थी स्पेशल केस था। हम ऊपर जाते हैं, ये वाला 1 माइनस a n + 1 एंड 1 माइनस a। इसमें से देखें एक मैं माइनस कर, जब माइनस को कॉमन ले लूँगा वो कट डाउन हो जाएगा, तो an + 1 और -1 हो जाता, तो ये फार्मूला इस्टेब्लिश करूँगा। लेकिन इसके लिए मुझे i = 0 चाहिए, i = 0 चाहिए। और हम लोग देख सकते हैं कि n जो है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में n सिर्फ n है, तो i सॉरी ये j है, i नहीं है, यहाँ पे j है, तो j से हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सॉरी ये कुछ हो रहा है इसको, सो नाउ वी विल सॉल्व इट, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए सॉल्व करना बहुत ही सिंपल सा है, कि मैं क्या करूँगा, इसमें मुझे पता है कि j मुझे 0 करने की ज़रूरत है, तो मैं जे को एक माइनस कर दूंगा, an j = 0, 3j + 1। और मैं सिंपल सा क्या करूंगा यहाँ पे प्लस लगा के, सॉरी माइनस लगा के
माइनस लगा के एक इस्टेब्लिश कर दूंगा, वन तक चलेगा जे ज़ीरो से, और ये आई होगा यहाँ, तो क्या होगा हमारा सिंपल सा, यहाँ पे एन होगा, जे इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, ये थ्री होगा, और क्योंकि देख सकते हैं आप इसमें जब ये होता है हमारा थ्री जो होती है पावर जे प्लस वन है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, थ्री डॉट थ्री जे इस तरह लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से थ्री डॉट थ्री जे क्या करूँगा, थ्री यहाँ बाहर ले जाऊँगा और थ्री जे यहाँ पे रहने दूंगा, और माइनस होगा यहाँ पे, जब देखें ये इस्टेब्लिश करेंगे आई वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो सिंपल सा यहाँ पे वन बचेगा सिर्फ, तो यहाँ पे वन बच रहा है हमारा सिंपल सा, तो हमने सिंपल सा यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन। अब हम लोग फदर जाएंगे, फदर हमें सिंप्लीफाई करना है, अब हम लोग यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला वाला लगा देंगे अपने ज्योमेट्रिक सीरीज़ वाला, तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ वाला फॉर्मूला लगाना है तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, इस ब्रैकेट को खोलूँगा और थ्री इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री अपॉन जे, जे इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस थ्री हो जाएगा, क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। फदर चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ तक हो गया, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा सिंपल सा ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, थ्री मुझे पता है कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फॉर्मूला है यहाँ पे थ्री जे, जे था तो जे की जगह क्या आ जाएगा एन प्लस वन आ जाएगा, डॉट यहाँ पे डॉट वहीं पे रहेगा, माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री माइनस वन, और माइनस थ्री वहीं है, तो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि और सिंप्लीफाई हो सकता है कि अभी थ्री डॉट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा थ्री एन प्लस वन कर दूंगा यहाँ पे, माइनस वन अपॉन टू माइनस थ्री। अब इसको यहाँ से एलसीएम ले लूँगा, तो एलसीएम ले लूँगा तो टू से थ्री मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस सिक्स हो जाएगा, तो क्या करूँगा थ्री वन प्लस वन टू एन प्लस टू माइनस वन माइनस सिक्स अपॉन टू, सिक्स अपॉन टू हो जाएगा। जी जी सिक्स अपॉन टू हो जाएगा, और सिंपल सा हमारा जी रह जाएगा। देखिए हमने एक चीज़ की यहाँ पे और गड़बड़ करी है, जब ये थ्री होगा तो थ्री यहाँ से इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये थोड़ा स्टक हो रहा है, ये यूँ है इक्वेशन, तो थ्री इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी हमारा थ्री होगा, तो मैं इसको मिटा के करेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी थ्री होगा हमारा, यहाँ पे भी थ्री होगा, तो एट द एंड हमारे पास आंसर आएगा थ्री एन प्लस टू माइनस नाइन अपॉन टू, दिस इज आवर आंसर। तो सिंपल सा था, बस कैलकुलेशन करते हुए प्लस माइनस ये ज़्यादातर इसमें, और फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज को एक दो दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सारे क्वेश्चन एक एक दफ़ा कर लें तो आपकी समझ आ जाएगा। तो अब इसके लास्ट, अब जी वाला जो है जी, और जी वाला आप लोग खुद करिएगा, सिंपल सा ये क्या होगा कि आई कांस्टेंट होगा जे की जगह, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको ओवरव्यू करके बता देता हूँ कि कैसे होगा। थोड़ी लॉन्ग कैलकुलेशन होगी इसकी भी, लेकिन आसान ये भी बहुत है। तो क्या होना है इसमें, देखें
सिंपल सा ये होगा कि जे के प्रस्पेक्टिव में है तो आई इसके लिए कांस्टेंट है, तो क्या होगा एन आई इज इक्वल टू 1, तो आई कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और जे वहीं रहेगा हमारा 1, और जे यहाँ आ जाएगा और एन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले जे को निकालेंगे, फिर जे की वैल्यू जो होगी वो आई के आगे आ जाएगी, फिर उसके प्रिस्पेक्टिव फिर आप आई को निकालेंगे। इसका मैं आपको सॉल्यूशन तो दूंगा लेकिन आपने फिर भी इसकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि क्या आएगा, चले मैं आपको सॉल्व ही करके दे देता हूँ, ये इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, जे इज इक्वल टू 1 आई, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो एन एन माइनस 1 अपॉन 2, सॉरी यहाँ पे प्लस आता है, प्लस अकॉर्डिंग टू द S1 फार्मूला जो हमारे ऊपर मैंने स्लाइड में आपको दिया हुआ है। अभी यहाँ हो गया तो इसका मतलब है कि दिस होल इक्वेशन इज कंसीडर एज अ कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट होगी तो ये यहाँ आ जाएगी कांस्टेंट, तो क्या होगा एन एन प्लस 1 अपॉन 2। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसका भी सेम आंसर आएगा, डॉट एन प्लस 1 अपॉन 2। जब दोनों का सेम आंसर आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए सिंपल सा सेम आंसर आ रहा है, अब एन भी है तो एन स्क्वायर लिखेंगे और एन प्लस 1 स्क्वायर लिख देंगे अपॉन जो नीचे वाली वैल्यू होगी ये 4 हो जाएगी। तो दिस इज़ आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम इसका लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, पार्ट 1 का, फिर 2 पार्ट 2 का करेंगे एक एक करके। तो इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे, इसमें देखें क्वेश्चन हमने कॉपी कर लिया है। इसमें देखें एक थोड़ा सीरीज़ लगती है हमारी, इसको कहते हैं हम लोग टेलीस्कोप सीरीज़, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई होगा तो आप परेशान ना हो गए एकदम से कैसे सॉल्व हो गया। जब ये सीरीज़ शुरू होती है तो इसको हम लोग कुछ इस तरह कंसीडर करते हैं कि एन आई इज इक्वल टू 1, जो हमारा 1 है इसको हम लोग माइनस 1 अपॉन आई कर देंगे और आई प्लस 1 कर देंगे, यानी कि जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही थी उसको तोड़ देंगे सब्ट्रैक्शन से। तो अकॉर्डिंग टू द टेलीस्कोप सीरीज तो हम इस तरह करेंगे। तो अब हमें पता है कि ये आई जो है ये कुछ इस तरह बढ़ रहा होगा, आई 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये क्या जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, इस तरह ये सीरीज़ बढ़ रही होगी। तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंगली हमारे फंक्शन के ये एन टाइम्स बढ़ रही है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, सिंपल सा यहाँ पे अप्लाई कर देंगे समीशन को, अपॉन एन 1 अपॉन सब्ट्रैक्शन एन प्लस 1। देखिए यहाँ पे सिंपल से यहाँ तक लिख देंगे और यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एन प्लस 1 बन जाएगा ये, और ये माइनस 1 रहेगा अपॉन एन प्लस 1 नीचे रहेगा। यहाँ से देखिए माइनस 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 प्लस कट जाएगा, 1 1, एन अपॉन एन प्लस 1 रह जाएगा। दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला लगा हुआ है, तो इसमें इसका मतलब है कि ये स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस 2 AB + B² तो सिंपल सा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे, n-1 i = 0, तो i i क्या हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा, +2 i² + 1, ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया यहाँ पे अकॉर्डिंगली, और n-1 i = 0, तो ये हर एक से समीशन हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, n-1 i = 0, 2 i² + n-1 i = 0, 1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको सॉल्व करना, तो लेकिन आपने घबराना नहीं है। देखें आप ना, मैं क्या करूँगा, इसको अप्रोक्सीमेशन ले लूँगा इसकी मैं, तो अप्रोक्सीमेशन में मुझे पता चलेगा कि ये जो है हमारा क्वेश्चन जो है ये जिस तरह मैंने सॉल्व किया इस तरह ही सॉल्व नहीं होना, मतलब कि अप्रोक्सीमेशन में मैं ले लूँगा, तो इसमें मैं देखें अप्रोक्सीमेशन ले लूँगा, ये इन तीनों को अलग अलग करके देखें, मुझे यहीं से पता चल रहा है कि इस वाले की जो वैल्यू है और इस वाले की वैल्यू इस वाले से कम आएगी, तो यहीं पे मैंने अप्रोक्स सबसे बड़ा वाला समीशन ले लिया, जो सबसे बड़ा वाला दे रहा है समीशन n-1 i = 0, i की पावर 4, तो देखें n जो है मेरा -1 है, तो देखें मैं इस तरह तो नहीं कर सकता ना, n-1 n-2 n-3, तो मुझे एक इसमें से मैं n माइनस कर दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, जब n एक दफ़ा माइनस कर दूंगा, -1 i = 0, तो i4 रहेगा वहीं पे। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे +n हो जाएगा, सॉरी यहाँ से एक n-1 को खाली n करने के लिए वहाँ पे हम लोग +n कर देंगे, जब n प्लस कर देंगे तो सिंपल सा क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम लोग समीशन अप्लाई कर देंगे, i क्या होगा, i 0 से n टाइम्स जा रहा है, तो i n में कन्वर्ट हो जाएगा, n की पावर 4 + n n की पावर 5 हो गई, क्योंकि बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम होते हैं तो हम लोग +1 कर देते हैं यहाँ पे, तो दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये वाला केस। इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमें लॉग वाला एक फॉर्मूला लगाना है, जब लॉग की पावर 2 हो रही होती है तो क्या होता है हमारा, लेकिन जब लॉग हमारा होगा लॉग की base a i, तो क्या होगा, i हमेशा यहाँ आ जाता है, इसको हम लोग c भी ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं c, तो c बाहर आ जाता है, ये हमारा रूल है हमारे मैथमेटिक्स में, लॉग वहीं रहता है, बेस वहीं रहती है और a वहीं रहता है, तो इस अकॉर्डिंग टू द रूल 2 मैंने बाहर ले लिया समीशन से, क्योंकि पावर 2 है, अगर 3 होता यहाँ पे 3 बाहर ले लेता यहाँ, तो n माइनस वहीं वहीं रहने दूंगा, i = 2 वहीं रहने दूंगा, लॉग i बचेगा सिर्फ, ठीक है यहाँ पे लॉग i बचेगा, तो सिंपल सा हमने क्या करना है कि हमारे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ स्टर्लिंग प्रोक्सीमेशन के, स्टर्लिंग
अप्रोक्सीमेशन रूल्स के अप्रोक्सीमेशन रूल्स के मुताबिक मुझे ये इस तरह आंसर निकालना होगा, एन एल एन एन माइनस एन प्लस वन। तो इसको हम लोग लॉग के इक्वेलेंट भी ले सकते हैं कि लॉग की इक्वेलेंट ले लें एल एन को। तो यहाँ पे देखें फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस, तो मैंने क्या करना होगा, जे को वन करना होगा यानी आई को वन, और ऊपर वाले को सिर्फ एन रखना होगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सिंपल सा टू एन कर दूंगा, आई इज इक्वल टू टू लॉग आई वहीं रहेगा, और सिंपली हमारा एक एन बाहर आ जाएगा। तो एक एन बाहर आएगा तो माइनस टू लॉग वन बाहर कर दूंगा मैं यहां से, सॉरी टू लॉग कह रहा हूं मैं, एन बाहर कर दूंगा, लॉग एन बाहर कर दूंगा। सॉरी यहाँ पे टू टू मैंने गलती से लिख दिया, टू नहीं आएगा सिर्फ लॉग एन आएगा, और यहाँ पे ये अभी भारी रहेगा टू हमारा। लेकिन एन एन माइनस वन था तो माइनस एन कर दिया तो वो सिर्फ एन रह गया। अब आई को मुझे वन करना है तो एक दफ़ा मुझे लॉग चलाना पड़ेगा, लॉग कम करना होगा इसमें से। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सिंपल सा एन प्लस इज इक्वल टू वन कर दूंगा इसको मैं, लॉग को वन कर दूंगा, लॉग आई माइनस लॉग एन माइनस लॉग वन। तो लॉग वन जो होता है, लॉग की बेस टू और लॉग वन होता है इज इक्वल टू जीरो होता है, वो आपको पहले बता दूं जीरो होता है। तो टू से इसको, टू को सबसे मल्टीप्लाई भी मैं कर दूंगा, इससे भी इससे भी इससे भी, तो टू यहीं पे रहेगा, आई इज इक्वल टू वन होगा, लॉग आई इज इक्वल माइनस टू लॉग एन माइनस लॉग वन। अब इसको मैं टू से मल्टीप्लाई नहीं, डायरेक्टली जीरो कर दूंगा, क्योंकि इज इक्वल टू जीरो होता है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स। आप कैलकुलेटर से भी करके देख लें कि लॉग टू की बेस टू और पावर जब हम लोग उसको वन देंगे तो इज इक्वल टू जीरो होता है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ तक हो गया है। अब सिंपल सा हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन का रूल लगा देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द अप्रोक्सीमेशन रूल, तो वो हमारा एन लॉग एन बनना चाहिए, माइनस एन प्लस वन बनना चाहिए। तो देख सकते हैं हम लोग, सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, इस रूल को अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एन लॉग एन माइनस टू लॉग एन। अब देखिए इसमें अप्रोक्सीमेशन में बड़ा वाला ले लूँगा जो कि हमारा एन लॉग एन है, सॉरी टू लॉग एन है, टू एन लॉग एन इज आवर आंसर। देखिए कितने शॉर्टकट तरीके से किया हमने, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन का रूल लगाया जिसमें क्या होता है, लॉग आई होगा तो वो टू लॉग आई होगा तो वो एन लॉग एन के बराबर होता है जब हम लोग समीशन होता है, लेकिन हमें समीशन को एन करना होता है, अपर बाउंड को लोअर बाउंड को आई इज इक्वल टू वन करना होता है, या जे इज इक्वल टू वन, वेदर इट इज़ जे के जो भी हो हमें वन करना होता है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की जानेब। ये नहायत ही आसान क्वेश्चन है, वैसे मुझे करवाना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी करवा देता हूँ आप लोगों को। सो दिस क्वेश्चन वी विल सी हाउ कैन सॉल्व इट। यू कैन सी दैट आई प्लस वन, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू होगी मेरी, इससे मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई होगी। उससे पहले मैं ये कर सकता हूँ कि टू को डॉट वन अपॉन टू कर दूंगा,
क्योंकि 1/2 इसलिए करूँगा कि अगर मैं 2i करूँगा डॉट 2-1 होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ये, तो -1 जो होता है ये 1/2 के बराबर होता है, तो 1/2 को मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा बाहर। तो सिंपल सा यहाँ पे यहीं से कर लेता हूँ इसको, 1/2 को बाहर ले लेता हूँ, 1/2 को मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया, समीशन लगा दी, एन आई इज इक्वल टू 1 और आई 2i कर लूँगा प्लस 2i। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब सिंपल सा समीशन को मैं इससे भी मल्टीप्लाई करूँगा, इससे भी मल्टीप्लाई करूँगा, 1/2 हमारा बाहर ही रहेगा, तो समीशन एन आई इज इक्वल टू 1 आई 2i प्लस समीशन एन आई इज इक्वल टू 1 2i। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया सिंपल सा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। सिंपल सा फॉर्मूले अप्लाई हमने ये करना है कि जो i जो है हमारा, हमें उसे इक्वल टू 0 लेने की ज़रूरत है। तो उसको 0 करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा। ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला क्या था, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का बड़ा सिंपल सा फार्मूला था कि n प्लस 1 करना होगा मैंने। तो अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिक सीरीज़ फार्मूला, मैं वहाँ पे चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा फार्मूला था। देखिए ये वाला फार्मूला, रिमेंबरिंग दैट द ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1 इफ ए इज ग्रेटर देन 0, दिस इज इक्वल टू द 1 माइनस। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है मैंने सिंपल सा। तो देखें, इसको मुझे अप्लाई करने के लिए आई को 0 करना ज़रूरी है, जब ही अप्लाई होगा तो आई को 0 करना होगा, तो मैं इसमें से माइनस क्या कर दूंगा, माइनस आई कर दूंगा। आई क्या है मेरे पास, अभी 1 है, तो -1 करना होगा मुझे। तो देखें अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपल सा यहाँ पे फार्मूला लगा दूँगा, आई जो होगा ये वाला, ये मेरा सिंपली एन चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, ये एन चला गया, ये एन चला गया, और ये है मेरा देखें पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं कि लेफ़्ट साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट साइड को सॉल्व करते हैं, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो इस वाले को पहले मैं सॉल्व करता हूँ, फिर प्लस वाले को करूँगा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखें कि माइनस, यहाँ पे मैंने सिंपल सा एन रखा और आई इज़ इक्वल टू 0 किया और 2i था मेरा, और माइनस यहाँ पे 1 कर दिया मैंने। तो सिंपल सा क्या करूँगा मैं, वो ये अपनी जगह भी प्लस, उस जो प्लस के पीछे वाला भी कांस्टेंट अभी है, वो हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, 2n+1 -1/2 -1 -1। सो दिस इज़ आवर फार्मूला विच वी सी इन दिस। तो हमारे फार्मूला था 2-1, 1 ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2n+1 -1। तो हमें पता चल गया इसका मतलब ये है, और आप देख सकते हैं कि अब मैं जाऊंगा ये वाला सॉल्व करना चाहूंगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम आंसर आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेशन आई जो होगा, एन आई इज़ इक्वल टू 0 और 2 की पावर i। अब इसको मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो सिंपल सा क्या होगा हमारा, ये वाला तो आंसर आएगा ही आएगा इसके लिए, लेकिन i जो होगा मेरा वो
एन के बराबर होगा। सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला जो कि मेरा क्या हो गया, एन के इक्वल हो गया और ये हो गया मेरा यहाँ पे 2n प्लस 1 माइनस 2. अगर हम लोग ऊपर वाली सिचुएशन देखें, माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस 2 होगा, सॉरी ये 2 है माइनस, तो यहाँ पे मैं माइनस 2 लिख दूंगा। सो सिंपली सा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंड सॉरी, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे हम लोग 2.2n - 2n कर देंगे। तो अकॉर्डिंगली हमारा जो क्वेश्चन तो ऊपर वाला मेन जो हमने टुकड़ों में किया है, मतलब पार्ट्स में किया है, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ये वाला जो होगा 2 की पावर जो होगी, अब देखते हैं हम लोग, एन 2.2n - 2n अब हम लोग ऊपर चल के देखते हैं कि हमारी क्या थी, प्लस 2.2n - 2 डिवाइडेड बाय 2। अब डिवाइडेड बाय ये 2 है तो अब इसको हम लोग माइनस करने जाएंगे, तो देखें 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कुछ हमारा 2n - n + 2n - 1 बचेगा, और जो 2 होगा हमारा वो नीचे से ख़त्म हो जाएगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इसमें से हम लोग अप्रॉक्सीमेशन बड़ी वाली वैल्यू ले लेंगे n 2n, दिस इज़ आवर आंसर। हमेशा हाईएस्ट टर्म लेते हैं पूरी इक्वेशन में से, तो ये हमारा आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की जानिब, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अभी हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं सीरीज का, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन और बहुत लेंथी है, तो मैं इसको तेज तेज करूँगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एन माइनस वन लेंगे और ये आई हो जाएगा आई इज इक्वल टू 0। मैं बताऊंगा मैं इस तरह क्यों कर रहा हूँ इसको, तो आई माइनस वन जे इज इक्वल टू 0, यहाँ पे सिर्फ 1 होगा, प्लस एन माइनस वन आई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, और एन आई माइनस वन जे इज इक्वल टू 0 और जे। देखिए यहाँ पे मैं इन दोनों को कॉमन ले लूँगा क्योंकि इनका अभी काम नहीं है, यहाँ पे इन दो को कॉमन लेकर मैं क्या करूँगा, एन माइनस वन आई इज इक्वल टू 0, और मैं यहाँ पे कॉमन लेने के बाद आई वन जे इज इक्वल टू 0, 1 प्लस आई माइनस वन जे इज इक्वल टू 0 जे। तो देखें यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ पे
एस वन का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि वन है और यहाँ पे कांस्टेंट है जे है, तो यहाँ पे एस टू का फॉर्मूला लगेगा। तो हमारा जो ये वाला समीशन होगा ये अपनी जगह ही रहेगा। जब इसको मैं अप्लाई करूँगा आई अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, अपर बाउंड क्या है आई माइनस वन प्लस वन प्लस, अब इसमें एन क्या है आई माइनस वन, और आई आई माइनस वन प्लस वन अपॉन टू। यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, तो सिंपल सा हमारा क्या होगा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग टू ज़ीरो, तो ये आई स्क्वायर के बराबर होगा। और इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, तो आई स्क्वायर आई स्क्वायर के बराबर होगा ये। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस आई स्क्वायर माइनस आई अपॉन टू। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। और देख सकते हैं आप समीशन में हमारा आई माइनस वन था, तो इसको मुझे आई बनाना था, तो एक यहाँ पे माइनस आई भी आएगा, माइनस आई, और यहाँ पे भी माइनस आई आना था, और ये खाली आई हो जाना था हमारा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलास। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब सिंपल सा हमने क्या करना है, इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा कि आई है तो ये एलसीएम लेगा, एलसीएम लेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग अपना समीशन। यहाँ पे ये इसी तरह रहेगा, आई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या होगा ये टू आई स्क्वायर बन जाएगा प्लस आई स्क्वायर माइनस आई प्लस टू आई अपॉन टू। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो सिंप्लीफाई देखें ये थ्री आई स्क्वायर माइनस आई बचेगा, क्योंकि देखें आई माइनस आई प्लस टू आई, तो माइनस आई अपॉन टू बचता है यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा आंसर। सो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब सिंपल सा क्या करेंगे, वन अपॉन टू को हम लोग बाहर ले लेंगे, वन अपॉन टू को बाहर ले लिया और इसको दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा एन माइनस वन आई इज इक्वल टू ज़ीरो, और सिंपल सा क्या होगा ये हमारा। अब देखिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इसको इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है हमने, इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये थ्री आई माइनस समीशन एन माइनस वन आई इज इक्वल टू ज़ीरो आई। तो हम इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो थ्री की पावर बाहर आ जाएगी, यहाँ पे थ्री की पावर बाहर आ जाएगी, तो वन अपॉन टू थ्री की पावर बाहर आ गई, और सिर्फ अगर हमारा यहाँ पे आई स्क्वायर बचा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर है आई स्क्वायर है, तो हमें फॉर्मूला लगा देना है सिंपल सा।
फॉर्मूला क्या है, एन एन माइनस वन टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स माइनस एन एन माइनस वन अपॉन टू। ये फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ सिंप्लीफाई करके। सो यहाँ तक हमारा हो गया आंसर। अब थ्री से ये कट गया तो ये क्या हो गया, थ्री सिक्स था तो यहाँ पे ये थ्री बच गया। सो सिंपल सा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको भी मल्टीप्लाई करा देंगे इससे, तो क्या हो जाएगा एन क्यूब माइनस एन टू एन माइनस वन माइनस एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाय टू थ्री ज सिक्स टू टू ज फोर। सो सिंपल सा यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हमने करना है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, टू एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर माइनस टू एन स्क्वायर माइनस एन, और वहाँ पे एन स्क्वायर माइनस एन वहीं रहेगा या अपॉन सिक्स है या अपॉन फोर है। अब सिंपल सा हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये सिक्स था ये फोर था, तो सिक्स टू ज़ा इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एन क्यूब माइनस टू एन स्क्वायर माइनस फोर एन स्क्वायर माइनस टू एन, और इसको थ्री से कराएंगे थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री एन अपॉन ट्वेल्व हो जाएगा ये। सो सिंपली सा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल सा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर देंगे, फोर एन क्यूब तो अपनी जगह ही रहेगा माइनस 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 सिक्स स्क्वायर माइनस सिक्स सेवन एट नाइन स्क्वायर माइनस नाइन एन स्क्वायर माइनस 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 फाइव एन अपॉन ट्वेल्व। सो सिंपली सा हम लोग इसको फोर एन क्यूब अपॉन ट्वेल्व करेंगे माइनस नाइन स्क्वायर अपॉन ट्वेल्व करेंगे और माइनस फाइव एन अपॉन ट्वेल्व करेंगे, तो ये कट डाउन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा और ये हमारा थ्री हो जाएगा, ये कट डाउन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा थ्री फोर हो जाएगा और ये थ्री हो जाएगा हमारा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर थ्री एन स्क्वायर क्यूब अपॉन थ्री माइनस थ्री एन स्क्वायर अपॉन फोर माइनस फाइव एन ट्वेल्व। सो सिंपल सा इसमें अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे, अप्रोक्सीमेशन में सबसे हाईएस्ट टर्म क्या है एन क्यूब, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एन क्यूब। तो हमारे यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है, इसके पार्ट टू में जाएंगे जिसमें हम लोग ग्रोथ रेट निकालना सीखेंगे, बिग ओ है बिग ओमेगा है या बिग थीटा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, क्योंकि कोई भी आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाएगा जिस तरह मैंने दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।